हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ चिकन हंगामा रेसिपी। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी है, डेफिनेटली आप इसे ज़रूर ट्राई करेगा। जब भी आप लोगों का अपनी फैमिली को समथिंग स्पेशल बनाने का और खिलाने का मन हो, सो प्लीज़ डेफिनेटली ट्राई दिस रेसिपी। वेल, आई हैव नो इनिशियल प्लान टू मेक दिस रेसिपी, सो आई गैदर थॉट Why not make and sharing with you this interesting and very delicious recipe? So if you like this recipe, so please do like, share and subscribe to my channel. और friends और family के साथ share ज़रूर करिएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा support मिलता है। So yeah, without wasting time, let's get started the video. ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। और ये चिकन हंगामा रेसिपी मैंने कहीं रेस्टोरेंट में खाया था, सो या मैंने इसे वैसे ही बनाने की पूरी पूरी कोशिश की है। एंड इसकी रेसिपी मुझे मेरी मम्मा ने दी है, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती हैं और उन्हीं से मैंने जितनी भी रेसिपी सीखी है मैंने अपनी मम्मा से सीखी हैं। एंड या सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्टिंग द वीडियो, तो चलिए फिर चलते हैं। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग 800 ग्राम चिकन पीसेस। सो या चिकन को बहुत बहुत अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद आप इसमें स्मॉल कट्स लगा देंगे, जिससे कि मैरिनेशन और ग्रेवी के सारे फ्लेवर्स उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएं। सो इस रेसिपी के फर्स्ट स्टेप है ब्राइनिंग। ब्राइनिंग का मेथड ये होता है कि एक बड़े बाउल में 1 लीटर वाटर यानी कि चिकन से डबल पानी आप ले लेंगे, दैन उसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट एंड 1 लेमन जूस, उसके अंदर स्क्वीज़ कर देंगे और साथ ही में इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्राइनिंग के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इससे चिकन के अंदर जो चिकन पीसेस के अंदर सॉल्ट और लेमन का बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। चिकन के पीसेस और भी ज़्यादा टेंडर एंड जूसी हो जाते हैं, वो खाने में और भी ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। एंड आपने देखा होगा चिकन के पीसेस अंदर से काफ़ी ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी फीके होते हैं, उनमें कोई टेस्ट नहीं होता, सो या टेस्टलेस होते हैं। सो आप उसे इस ब्राइनिंग वाले स्टेप को अगर आप ज़रूर फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। सॉरी चिकन। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ मैरिनेशन। मैरिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर दिस ग्रेवी, एंड मैं आपको बता दूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इस बाउल में मैरिनेशन के लिए ठीक नहीं है, तो यहाँ पर मैंने इसे एक दूसरे बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। देन उसके बाद मैं इसके अंदर एक बाउल कर्ड यानी कि दही इसमें ऐड कर दूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। देन उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सॉल्ट 1 टेबल स्पून, एंड साथ ही मैं इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी रेड चिली पाउडर, एंड 1 पिंच में इसके अंदर ऐड कर दूंगी रेड फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ऐड करें और चाहे तो ना भी करें, ये आपके ऊपर है एंड ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसके अंदर दही ऐड करने के बाद आप इसके अंदर ऐड कर देंगे लेमन जूस। वन टेबल स्पून सॉल्ट एंड एज पर योर टेस्ट स्क्वीज द हाफ लेमन जूस एंड मिक्स इट वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ योर हैंड। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथों की हेल्प से इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मैरिनेशन को। आप चाहे तो इसके लिए एक बड़े स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं हो रहा है तो आप इसे अपने हाथों की हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। एंड द लास्ट स्टेप, आप मैरिनेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़रूर ऐड करना। एंड यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड कर लिया है। देन उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से इसे हाथों की हेल्प से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। एंड मिक्स करने के बाद मैं इसे लेड से कवर करके इसे 20-30 मिनट्स के लिए फ्रीज कर दूँगी।
देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ मेकिंग ग्रेवी फॉर चिकन हंगामा। एंड यहाँ पर आप एक पैन लेंगे और उसे प्री हीट होने देंगे लो फ्लेम पर। देन उसके बाद आप इसके अंदर फाइनली चॉप्ड अनियन ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ के अनियन को अच्छी तरीके से फाइनली चॉप्ड कर लिया है एंड इसे बहुत अच्छी तरीके से मैं इसे फ्राई कर लूँगी। इसे मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। सो यहाँ पर हम देन एक और पैन में 2 to 3 tablespoon ऑयल ऐड करेंगे। देन उसमें मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस को ऐड कर देंगे जिस तरीके से यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर गरम कर लिया है एंड यहाँ पर मैं एक एक करके सभी चिकन के पीसेस को इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर दूँगी और इसे हाई फ्लेम पर मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से इसे शैलो फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी ही देर में आप देखेंगे जो फाइनली चॉप्ड अनियन थी बहुत अच्छी तरीके से ब्राउन होने चली है एंड जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए आप इसे किसी दूसरे बर्तन में इसे निकालेंगे और इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। चिकन के पीसेस को आप हाई फ्लेम पर शैलो फ्राई कर लेंगे जिससे कि चिकन के जूसेस और जितने भी इसके जूसेस हैं वो सब रिलीज हो जाएंगे। तो अभी आपको इसे स्टर नहीं करना है, जब ये जूसेस अच्छी तरीके से रिलीज हो जाए एंड इसको ब्राउन स्टील मार्क्स आ जाएँ ब्राउन ग्रे मार्क्स आ जाएँ तो देन इसे हम उसके बाद सेकंड साइड से यानी दूसरी साइड से इसे फ्राई करेंगे। आपको ये चिकन वाले स्टेप को ज़रूर ज़रूर फॉलो करना है क्योंकि ये चिकन जूसी और टेंडर बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो अनियन थी वो भी बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अब मैंने इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है ठंडा होने के लिए दूसरी साइड में रख दिया। और जो बचा हुआ ऑयल था उसमें और ऑयल ऐड नहीं करेंगे, इतना ही सफिशियंट है। नाउ अब आप इसमें 1 big tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे जिससे ग्रेवी बनेगी और इस पेस्ट को ऐड करने के बाद आप इसमें अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर लेना जिससे कि इसकी रॉ स्मेल फिनिश्ड हो जाए। और जैसे ही ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए देन आप इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज को रफली चॉप्ड करके उसकी प्यूरी बना लेंगे। देन इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। आप इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसकी रॉ स्मेल बिल्कुल फिनिश ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। देन आप देखेंगे 5 to 6 minutes के बाद इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रिल मार्क्स आ गए हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। देन आप इसे 1 by 1 चेंज करेंगे और इसे नेक्स्ट यानी दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से ग्रिल कर लेंगे और इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। तब तक हम इसे करेंगे जब तक कि इसके ऊपर बहुत ही अच्छे वाले ग्रिल मार्क्स ना आ जाए। और आप इसे इसी तरीके से हाई फ्लेम पर करेंगे जिससे कि इसके जूसेस रिलीज होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेंडर और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन के सामने आएगा एंड इससे इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आएगा। जैसे कि हमने इसके अंदर अभी 1 pinch इसके अंदर ऐड किया था तो आप देख सकते हैं इसका कलर। तो यहाँ पर जो ये है यानी हमारी जो ग्रेवी थी वो बहुत अच्छे तरीके से बनकर रेडी है एंड इसकी रॉनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। देन यहाँ पर मैंने टमाटो प्यूरी ऐड कर दी। टमाटो प्यूरी मैंने 2 tomatoes को रफली चॉप्ड करके उसे मिक्सचर में पीस लिया है, अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है, उसकी प्यूरी बना ली है। देन उसे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। सो अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर टमाटो की रॉनेस और मॉइस्चर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। देन अब आप इसमें मैरिनेशन का बचा हुआ बैटर ऐड कर देंगे। इसे आप डिस्कार्ड नहीं करेंगे, जो कि मैरिनेशन का बचा हुआ बैटर था ना वो आप इसमें ऐड कर देंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने कर दिया है। देन उसके बाद आप देखेंगे ये जो हमारे चिकन के पीसेस थे वो दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे तरीके से सिक चुके हैं और उस पर बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स आ गए हैं और वो बहुत ही देखने में प्यारे, बहुत ही ज़्यादा टैम्पिंग और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं। अब आप इस स्टेज पर जितने भी बेसिक मसाले होते हैं वो आप इसमें ऐड कर देंगे। 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1/2 tablespoon कोरिएंडर पाउडर, इसे आप 1 tablespoon भी कर सकते हैं, 1 tablespoon देगी मिर्च पाउडर एंड इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और रोस्टेड क्यूमिन सीड पाउडर भी आप इसमें ऐड कर देंगे। एंड अब आप इसे लिड से कवर करके बहुत अच्छी तरीके से इसे कुक होने देंगे। तो यहाँ पर फ्राई की हुई ऑनियंस ले लेंगे एक जार में एंड उसके अंदर ऐड कर देंगे 15 to 20 कैश्यू एंड साथ में ऐड कर देंगे 1 to 2 tablespoon कोकोनट पाउडर और इसे बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा इसका पेस्ट बना लेंगे, बहुत अच्छा क्रीमी सा। देन यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेवी बनके बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही ज़्यादा टैम्पटिंग यहाँ पर नज़र आ रही है और ये बहुत अच्छे तरीके से भून चुकी है एंड बहुत अच्छे तरीके से इसमें यहाँ पर जो जितना भी ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर जो भी हमने फ्राइड अनियन का जो ये क्रीमी वाला ये पेस्ट बनाया था वो आप इसमें ऐड कर देंगे।
इसे ऐड करने के बाद आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सो रिचनेस प्लस क्रीमीनेस इसी पेस्ट से आएगा। अब आप इसे लिड से कवर कर देंगे एंड 7 to 8 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। और इसे मिक्स करने के बाद इसका कलर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। सो आपको इस स्टेज पर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप इसे कवर से लीड करके थोड़ी देर इसे कुक करेंगे 7 to 8 मिनट के लिए, आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा और ये इतनी ज़्यादा क्रीमी ग्रेवी बनके रेडी होगी ना, और ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं इसे लीड से इसे कवर कर दूँगी, इसे कुक होने दूँगी। जब ये ग्रेवी ऑयल सेपरेट कर देगी एंड बहुत अच्छी तरीके से बनके रेडी हो जाएगी, हम इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, जो कि टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। और साथ ही में जो दूध की मलाई होती है ना, आप वो इसमें ऐड कर देना थोड़ी सी। एंड अगर आपके पास में वो अवेलेबल ना हो तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है। सो इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और आप देखेंगे इसका कलर कुछ इस तरीके से हो गया है। सो मैं फिर भी आपको यही कहूँगी, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसे फिर से इसे कुक करेंगे और कवर से लीड कर देंगे, सॉरी लीड से कवर कर देंगे, तो आप देखेंगे थोड़ी ही देर में ये भुनने के बाद कुछ इस तरीके की आपको नज़र आएगी। और अब यहाँ पर जो मसाला है, ग्रेवी है, बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। एंड इसकी पहचान यही है कि आप देखेंगे अभी मैं इसे आपको जब इसे दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से कुक है। एंड अभी ना इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसमें ऑयल सेपरेट हो जाएगा। और इस स्टेज पर आप इसमें फ्राई किया हुआ चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे, देन साथ में उसके अंदर 1/2 कप मिल्क ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पानी भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने इसमें दूध का यूज़ किया है जिससे कि ग्रेवी और भी ज़्यादा शाही और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस और बहुत ज़्यादा क्रीमीनेस होगी। सो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड करने के बाद इसे फिर से कुक करूँगी 10 मिनट्स के बाद। वैसे तो चिकन के पीसेस बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हैं, कुक हैं और बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल कुक्ड हैं, बट यहाँ पर अभी हमें इसे ग्रेवी के साथ और ज़्यादा कुक करना है जिससे कि इसके अंदर और भी ज़्यादा फ्लेवर चला जाए। सो यहाँ पर जो हमने चिकन के पीसेस के अंदर जो कट्स लगाए थे उसके अंदर ये सारा फ्लेवर, ग्रेवी का फ्लेवर और मैरिनेशन का फ्लेवर इतनी अच्छी तरीके से चला जाएगा, ब्राइनिंग का फ्लेवर। सो चिकन के पीसेस खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगेंगे ना, जैसे लगते हैं फीके फीके लगते हैं, ऐसे नहीं लगेंगे आपको। जब आप ये सारे फॉलो करेंगे ना, जितने भी स्टेप हैं इस स्टेप को फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत बहुत अच्छी बनकर रेडी हुई है और बहुत ही ज़्यादा जूसी टेंडर ये चिकन के पीसेस आपको लगने वाले हैं। और आप इसे खाने के बाद, इसे बनाने के बाद अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कुक होने के बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 से 3 ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर दी है, जो कि बहुत अच्छी लगेगी गार्निशिंग के लिए। देन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कुक होने के बाद ये जो ग्रेवी है थोड़ी कम हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कितनी सारी थी ना, तो अभी बहुत कम हो गई है। सो यहाँ पर अब आप फाइनली फ्रेश कोरिएंडर लीव्स से इसे गार्निश करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, और ये देखने में और खाने में तो इतनी टेस्टी थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, काश आप भी खा पाते। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप भी बनाइए, फैमिली के साथ इंजॉय करिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। डेफिनेटली ये रेसिपी आपको और आपकी फैमिली को और आपके मेहमानों को बहुत बहुत पसंद आएगी। और उसके बाद सब आपसे रेसिपी पूछेंगे कि ये रेसिपी आपने कैसे बनाई, और ये देख आप सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टैम्पटिंग, डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी आपको नज़र आएगी। सो या आज की रेसिपी हमारी यहीं तक थी, सो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड उसके बाद स्टाइल में चिकन हंगामा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये बहुत ही ज़्यादा टैम्पटिंग रेसिपी है, मैंने इसे एक रेस्टोरेंट में खाया था, तो या मैंने इसे वैसे ही बनाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको ये अच्छी लगे सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।